आशा पद पर कार्यरत है ललितपुर जिला ललितपुर में, लेकिन हमारे जो नोडल अधिकारी हैं वो हमेशा काम कार्य के प्रति गलत गलत शब्द बोल के हमें प्रलोभन देते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें ANM बनवा देंगे, ये कर देंगे, हमारी बात मान लो, हैं जो हमारी बात नहीं मानोगी तो हम आपको आशा पद से हटवा देंगे, हैं ऐसा करके उन्होंने कई बार पहले मुंह से हमसे ऐसे बोलते रहे। फिर एक दिन 4 तारीख को इन्होंने कहा कि हमें सारी रिपोर्टें भेजो जो भी आप काम कर रही हो COVID-19 के तहत, तो हमने इनको रिपोर्टें भेजी। इन फिर रात्रि 11:50 पे एक मैसेज भेजा हमारे मोबाइल पे, तो उस मैसेज को फिर हमने पढ़ के फिर हमने इनके पास गए हम ऑफिस में, हमने कि सर ये क्या, तो बाहर ये मिल गए हमारे लिए। तो उस टाइम पे भी इन्होंने हमें बहुत गलत गलत शब्द बोले कि आप इतने से मैसेज पर वो कर रही हो, असली मैसेज नहीं, उसमें एक फुटेज है मैसेज की, लेकिन असली मैसेज उसमें बातें ऐसी हैं कि वो असली में ही आती हैं मैसेज में। लेकिन हमने फिर उसका विरोध किया, CMO साहब को बताया, 8 तारीख में CMO साहब ने डॉक्टर बख्शी को उसकी जांच बताई कि जांच करो, तो जांच का अभी तक कोई पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। डॉक्टर राजेश भारती नोडल अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग नगरीय नोडल अधिकारी। अब जो भी उनने बताया था कि तू मोबाइल पे जो बात की है और जो मैसेज भी भेजा है, और इसके लिए हमने पहले एक जांच कमेटी गठित कर दी और जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की। क्या लगता है सर, स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं को कार्य करना सबसे अधिक क्षेत्र भी है और उन महिलाओं को काम करना पड़ता है, इस प्रकार ऐसे अधिकारी अगर इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो क्या उन पर कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई तो होगी, जैसे हमने वैसे ही उसका वीडियो ऑडियो सुना है, ऑडियो में जो बात हुई है हमें पता है, लेकिन लंबी बात जरूर खींची है और उसमें कोई ऐसा असभ्य बात उसने नहीं की है। इसके बावजूद भी हमने कमेटी गठित की है, यदि जो जांच आएगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करें। लोग आशा पद पर कार्यरत है जनपद ललितपुर में, और डॉक्टर राजेश भारती ने जो हम लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है और गाली गलौज करता है, अच्छे बात नहीं करता, इज्जत नहीं करता, कहता है कि मतलब आप लोगों की क्या औकात है हमारे सामने, तो इस मैटर में हमने CMO साहब को दी थी, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं मिला। आज हम लोगों ने फिर CMO साहब को ज्ञापन दिया, तो CMO साहब ने 2 दिन का और आश्वासन दिया, अगर 2 दिन के अंदर कोई न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम लोग आगे जाएंगे और बहुत ऊंचे तक जाएंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए।